सो ये है लेटेस्ट पिक्सल एक्सटेंडेड का अपडेट Redmi K20 Pro के ऊपर, और जून का सिक्योरिटी पैच लेवल अभी इस रॉम के अंदर मर्ज हो चुका है, जिसके अंदर फीचर्स हैं, जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन है, जो बैटरी बैकअप है, स्मूथनेस है, कैसी आपको मिलती है, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अबाउट फोन पे से। पिक्सल एक्सटेंडेड का आपको ऊपर लोगो मिल जाता है, जो कि एक बूट एनिमेशन टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक एनिमेशन मिलता है यहां पर। Android वर्जन 12L आपको मिलता है, एक्सटेंडेड वर्जन 4.6 हो चुका है, जून का सिक्योरिटी पैच लेवल मर्ज हो चुका है, एंगल्स ऑफ कर्नल आपको मिलता है, और बिल्ड नंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो पिक्सल एक्सटेंडेड रफाइल 12.1 आपको ऑफिशियल अपडेट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, वाइडबैंड L1 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग ऑफ कोर्स मिल जाती है। जो चार्जिंग स्पीड है वो कुछ ऐसी मिली है मेरे को 18 वाट से, और 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, तो मैं इसको बोलना चाहूंगा थोड़ा सा स्लो है। और पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन के अंदर भी सेम जो है स्पीड आपको मिलती है, तो यहां पर सिमिलर सी स्पीड मेरे को दोनों के अंदर लगी है, जो कि स्लो मैं बोलना चाहता हूं। और जो यहां पर आइडल ड्रेन है वो 0.10% पर आर के आसपास आपको मिल जाएगा। डीप स्लीप यहां पर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, एंड अगर आप देखोगे आइडल ड्रेन तो आइडल ड्रेन यहां पर जो है नॉर्मल यूसेज के ऊपर 8-10% पर आर के आसपास यहां पर मेरे को मिला है। और बाकी डिपेंड करता है आप रोम को कैसे यूज करने वाले हो, एप्स कौन से यूज करोगे। सो यहां पर जो एक्टिव ड्रेन है वो भी काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। और सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहां पर जो है 90% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है। मैक्सिमम जीएपीएस 2,20,000 के आसपास है, एवरेज आपको मिलेंगे 2,06,000 के आसपास। और रही बात यहां पर जो है गीगबेंच 5 के स्कोर्स की, तो 730 सिंगल कोर है, 2,200 का आपको मिलेगा मल्टी कोर स्कोर। रोम में जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है ना वो लीनी जूएस बेस्ड कैमरा है, जो कि आप चेक कर सकते हो। एनएक्स कैमरा वर्जन 2.0 को मैंने इंस्टॉल कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रा वाइड वर्किंग है, 4K 60 fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, पोर्ट्रेट वर्किंग है, इवन स्लो मोशन वीडियोस एट 1080p 60 fps के ऊपर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सब कुछ यहां पर वर्किंग है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो स्टेबल सा ANX कैमरा यहां पर वर्किंग आपको मिल जाता है, जो कि आप रूट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, और वीडियो आपको ANX वाली प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब जिसका पिक्सल लॉन्चर है ना वो मैं आपको चेक करवाता हूं कौन से फीचर्स के साथ में मिलता है। एट ए ग्लांस के अंदर ये वाले फीचर्स हैं, और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी आपको मिलती है। रोम काफी स्मूथ है, काफी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस आपको फील होने वाला है। यूआई के अंदर कोई लैग स्टटरिंग आपको नहीं फील होने वाला, जो कि आप यहां पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो। सो एनिमेशंस काफी सुपर फ्लूइड आपको मिलेंगे, हैप्टिक्स इंक्लूडेड है, यानी कि इनेबल्ड है, और यहां पर जो क्विक सेटिंग पैनल है इसको पुल डाउन करोगे तो यहां पर भी कोई लैग स्टटरिंग नहीं आने वाला। बट इसकी जो पैडिंग है ना स्टेटस बार की वो थोड़ी सी ऊपर आपको मिलती है, ये चीज आप नोटिस करोगे जब आप इसको यूज करोगे। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है यहां पर जो स्क्रोलिंग है वो भी काफी अच्छी आपको मिल जाती है। बट पिक्सल लॉन्चर जो इसके अंदर मिलता है ना, इसके अंदर एक बग है, यह है ब्लैक बॉर्डर वाला, जो कि आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो, तो यह बग आपको यहां पर झेलना पड़ सकता है। अब फीचर्स की बात करेंगे, जून के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ में क्या कुछ ऐड हुआ है, क्या कुछ रिमूव है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम आता है, और अपडेटर के लिए OTA यानी कि OTA अपडेट्स के लिए अपडेटर आपको मिलता है। जस्टिस है, क्विक टैब के अंदर वही एक्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन में 2 बटन 3 बटन है, और यहां पर हैप्टिक्स इनेबल करने का ऑप्शन है, और फुल स्क्रीन जस्टिस आप इनेबल कर सकते हो, एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वर्किंग आपको मिलता है, डबल टैप का भी एक ऑप्शन आपको मिलता है। सिक्योरिटी के अंदर पिक्सल 6 सीरीज का जो लेआउट है वो अपडेट हो चुका है, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन ऑन के साथ में जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो बोलना चाहूंगा, एंड एक ब्राइटनेस हाई होने का भी आपको बग देखने को मिल जाता है जब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, तो जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। बाकी स्क्रीन ऑफ के साथ में जो स्पीड है वो भी आपको काफी एक्सीलेंट मिल जाती है, स्क्रीन ऑफ के साथ में आई गेस यहां पर थोड़ी फास्ट आपको मिलती है। बाकी ना यहां पर जो है स्क्रीन ऑन के साथ में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी थी, बट फाइनली ये जो है काफी अच्छे से अभी वर्क कर रहा है। अब जो फिंगरप्रिंट बिहेवियर है ना, यहां पर आपको प्रेस और टच का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। बट ये वाला जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर जो है वर्क करता है, जो कि डिवाइसेस के ऊपर होता है, लाइक पोको X3 प्रो वगैरह हो या फिर Mi 11X हो, इनके अंदर ये चीज यहां पर वर्किंग रहती है। बट K20 प्रो के अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी वर्किंग। वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करें, ऐप ग्रिड्स आपको यहां पर आई गेस काफी सारे मिल जाएंगे, मैक्सिमम 5x6 तक, क्योंकि ये जो है पिक्सल लॉन्चर मॉडेड आपको नहीं मिलता, समटाइम्स यहां पर चीजें लोड होने में काफी टाइम लग जाता है। और डिस्प्ले की बात करेंगे, सो डिस्प्ले के अंदर आपको यहां पर कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप चेक कर सकते हो। टैप टू वेक है, एंबिएंट डिस्प्ले के अंदर वही जेस्चर्स हैं, डीसी डिमिंग, हाई ब्राइटनेस
ब्राइटनेस मोड है। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पर वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल स्टेटस है, मी साउंड इनहेंसर है, क्लियर स्पीकर आपको मिलेगा, तो ये सब चीजें नॉर्मल है। बैटरी की बात करें, यूसेज है ना वो एंड्रॉइड 12.1 से अपडेटेड है और ग्राफ काफी आपको अच्छा सा देखने को मिल जाता है यहाँ पर। बाकी एप्स की बात करेंगे तो एप्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है डेडिकेटेड गेम स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि अभी ऑलमोस्ट काफी सारी रोम्स के अंदर प्रेजेंट है। कस्टमाइजेशन के ऊपर आएंगे तो स्नो हाउस आपको मिल जाता है, सेंटर क्लॉक लगा सकते हो, बैटरी आइकॉन्स आपको वही सारे मिल जाते हैं, बाकी ट्रैफिक इंडिकेटर वर्किंग है, 4G आइकॉन है, उसके बाद वॉल्टी आइकॉन, वो वाईफाई आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे। क्विक सेटिंग वर्टिकल लेआउट आपको मिलता है, जो कि आई थिंक किसी भी रोम के अंदर नहीं मिलता, सो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको लेआउट मिल जाता है। आप जो टाइटल्स हैं उनको भी हाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, तो ये जो कस्टमाइजेशन है ये आपको मिलती है। बाकी क्विक सेटिंग कॉलम सेटिंग्स है ना उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज यहां पर भी कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहां पर क्लियरली चेक कर सकते हो, तो यहां से आप जो है काफी सारे चेंजेस कर सकते हो। बाकी नीचे ब्राइटनेस स्लाइडर है और लॉक स्क्रीन यहां पर जेस्चर आपको मिलेंगे, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो है, अंडर डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट स्कैनर के रिगार्डिंग ऑप्शंस, आइकन पिकर वगैरह वही आपको मिलेंगे, और नेविगेशन बार पे जेस्चर जो कि मैंने आपको दिखा दिया, देन मॉनिटर सेटिंग्स है और इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, देन पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रीस्टार्ट है और वही आपको जनरल से ऑप्शंस मिलेंगे जो कि इसके प्रीवियस अपडेट के अंदर प्रेजेंट थे। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे रोम्स मैंने रिसेंटली जो है K20 Pro के ऊपर ट्राई कर रखे हैं और ऑलमोस्ट जितने भी अभी रिसेंटली रोम्स ट्राई किए ना, काफी सारे रोम्स है ना वो यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, उनका UI ऑप्टिमाइज हो चुका है काफी अच्छे से एंड्रॉइड 12.1 के साथ में, यानी कि स्टेबिलिटी भी आ चुकी है और उसके साथ में जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना ऑलमोस्ट सभी रोम्स के अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो ये जो रोम है यहां पर कर्नल चेंज्ड है, एंगल जॉस आपको मिलता है, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है यहां पर भी काफी तगड़ी है, गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत आपको गेमिंग के अंदर नहीं आने वाली, स्मूथनेस काफी अच्छी है, कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप आपको नहीं मिलता। हां जब आप यहां पर BGMI के अंदर गाड़ी वगैरह चलाते हो ना तो सडनली थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप होता है, 49 के आसपास FPS आ जाता है, अदरवाइज नॉर्मली अगर आप यहां पर जो है गेमिंग करोगे ना कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कैजुअल से काफी बेटर गेमिंग कर सकते हो और यहां पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो तो आप नॉर्मल से काफी अच्छी गेमिंग यहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।